आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता, जिसे बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 2 गिलास पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। जब पानी हमारे गर्म हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे, यहाँ पर 1/4 चम्मच तेल डाल देंगे, 1/4 छोटा चम्मच नमक डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। पानी को बिल्कुल बढ़िया से गर्म कर लेना है और जब पानी हमारे यहाँ पर उबलने लगेंगे तो हम इसमें यहाँ पर अपने पास्ता डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 कटोरी पास्ता ले रही हूँ। अगर वेट में आप देखेंगे तो ये 100 ग्राम पास्ता है। तो पास्ता डाल देने के बाद गैस फ्लेम को बिल्कुल हाई कर दीजिए और इसे बीच बीच में चलाते रहिए। 4 मिनट तक पास्ते को हमें उबाल लेना है, इसे ओवर कुक नहीं करिएगा। तो जब 4 मिनट हो जाएगा तो हम पास्ता को यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि पास्ता हमारे यहाँ पे पके है कि नहीं। तो इसे चेक करने के लिए थोड़ा सा पास्ता निकाले और इसे चाकू से काट कर देखिए। अगर ये आसानी से कट रहे हैं इसका मतलब कि पास्ता हमारे पक गए हैं। तो बस गैस फ्लेम को बंद करिए और इसे इस छन्नी में निकाल के पानी इसका अलग कर लेते हैं। एक पैन लीजिए, इसमें 1 चम्मच तेल डालिए और जब तेल गर्म हो जाएगा 4 कटे हुए बिल्कुल बारीक कटा हुआ हमने लहसुन डाला है। इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लहसुन को कुछ सेकंड ट्रांसपेरेंट होने तक, यहाँ पर इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाने तक हमने यहाँ पर पका लिया है। जब लहसुन हल्का सा पक जाएगा तो हम इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने बिल्कुल लंबा लंबा ही कट किया है और प्याज को भी हम 1 मिनट तक पका लेंगे। हल्का प्याज जब पक जाएगा ट्रांसपेरेंट होता दिखेगा आपको। तो ये देखिए प्याज पक गया है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट हो रहा है। तो हम यहाँ पर डाल देंगे अपनी सब्जियाँ। मैंने गाजर और शिमला मिर्च लिया है, आप अपनी पसंद से कोई भी सब्जियाँ ले सकते हैं। आप इसमें बीन्स डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसमें स्वीट कॉर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पनीर के शौकीन हैं तो आप पनीर भी डाल सकते हैं। सब्जियाँ आप अपने पसंद से ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे सब्जियों को लगातार चलाते हुए यहाँ पर पका लिया है। बिल्कुल हाई फ्लेम पे सब्जियों को पकाना है ताकि इसका क्रंच बना रहे। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 छोटा चम्मच हम यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। 1 पाउच मैंने यहाँ पर पास्ता मसाला डाला है, ये रेडीमेड पास्ता मसाला है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप यहाँ पर 5 रुपये वाला मैगी मसाले का पाउच ले सकते हैं। और आप चाहे तो इन दोनों नहीं डालना चाहते तो आप इसके जगह थोड़ा सा गर्म मसाला डाल सकते हैं। और मसालों को हमने यहाँ पर सब्जियों के साथ मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर हमने मसाले जब हमारी सब्जियों के साथ मिक्स हो जाएगी तो हम यहाँ पर उबला हुआ अपना पास्ता डाल देंगे जो हमने पहले उबाल के रखा था। 1 चम्मच हम यहाँ पर विनेगर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच सोया सॉस डालेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है तो आप नमक कम ही डालिएगा और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ा सा टमाटो केचप डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पर केचप नहीं डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा तीखा ही पसंद है। तो यहाँ पर हम सभी चीज़ों को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा कलर आया है, बिल्कुल बेसिक सामानों से हमने यहाँ पर इसे बनाया है। तो 1 मिनट तक यहाँ पर हाई फ्लेम पर हम इसे इसी तरीके से टॉस करते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे सब्जियों का क्रंच बना रहेगा। और लास्ट में हम डाल देंगे यहाँ पर 1/2 छोटा चम्मच ओरिगैनो। अगर आपके पास ओरिगैनो हो तो आप इसे ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। और अगर आप थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं तो आप थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। सभी चीज़ें डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे और ये लीजिए दोस्तों, गर्मा गर्म पास्ता हमारा यहाँ पे बनके तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और पास्ता को सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, इंडियन स्टाइल मैक्रोनी पास्ता बनकर तैयार है घर के बेसिक सामानों से। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।